नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा। आज हम बात करेंगे नारायण शाकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, जिसका आयोजन कस्बा मटर मंडी मोहनपुरा बादामपुर तहसील कासगंज जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। नारायण शाकार हरि परमात्मा ने अपनी ब्रह्मवाणी से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सत जाना है और कर ले बंदे प्रीत है परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना है। आज खाए के देह बनाई, इसको भी अग्नि में जलाना है और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। बड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सत जाना है, महात्माओं की वाणी के द्वारा 84 लाख योनियां तैयार करी। प्रता कुटिया गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सांप बिल्लू छिपकली कीट पतंग शास्त्र ऐसा बताते हैं, वेद बताते हैं, धर्म ग्रंथ बताते हैं, संतों की वाणी बताती है। और नहीं तो वर्तमान में इस समय जो आपको जानकारी दी जा रही है, इसमें रत्ती भर कोई संदेह नहीं है। जब जो आपने देखा और यहाँ जो भी पहचान केंद्र के तौर पर आप लोगों ने जो वर्दी धारण की है, वॉलंटियर्स भी कहते हैं, सेवादार भी कहते हैं, आप सभी का धर्म कर्म बनता है आने वाले किसी भाई बहन से तेज आवाज में नहीं बोलेंगे, केवल प्रेम का ही व्यवहार करेंगे और सदमार्ग दिखाएंगे। जहां स्थान मिलता है, खड़े होने की जगह है तो खड़े होकर श्रवण करो, भागने की जरूरत। स्त्री पर सेवादार सभी का धर्म कर्म बनता है। क्यों? हरि परमात्मा ब्रह्मांड के लिए कहता है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं करोगे तो भोग भोगना पड़ेगा। सत्य के साथ में आप देखा या कोई जाति की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं, कोई भाषा की बात नहीं, कोई उच्च की बात नहीं, कोई वर्गवाद नहीं। ऐसे बताओ साहब, यहाँ किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को नर नारी के रूप में नहीं देखा जाता है। सत्यता तो यह वेद भी यही, शास्त्र पुराण धर्मग्रंथ यही इशारा करते हैं। अगर उनका ध्यान नहीं किया, ये समय शब्दों में आपके जीवन का कल्याण छिपा हुआ है, आनंद छिपा हुआ है, परमानंद छिपा हुआ है, ग्रहण करना ग्रहण करना आपका प्रश्न है। पत्र के बाद में आकर नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को समर्पण करने के बाद, तो जीवन में भटकते रहने के बाद नहीं मिला, वो नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को समर्पण करने से मिलता है। जहां जगह मिली है केवल आत्म शांत करे और मन को सत्य के साथ में जोड़ दो, तो धूप भी पसीना आएगा तो देसी का काम होगा। गर्मी के देश में रहने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत गर्मी है, उबल रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वो लोग सर्दी के देश में गए। सर्दी के देश में
सर्दी का प्रकोप है, सबसे में कपड़ा करना हम चिंता सीधे से करते हैं, कहने की हमारी आदत है। सर्दी के देश में सर्दी का प्रकोप है, वहां पहुंच कर कहते हैं जिससे तो हमारा देश ही जब तक ये शरीर है पांच सत्ता पतला, गर्मी का भी प्रभाव होगा, सर्दी का भी प्रभाव होगा, बरसात का भी प्रभाव होगा, सर्द का भी प्रभाव होगा और पीड़ा का भी प्रभाव होगा। इसलिए कहा जाता है अशरीरी भव, अशरीरी भव, क्योंकि आप न नर है न ही ठाकुर उच्चारण हो रहा है, अगर इनके हृदय में शब्द के लिए प्रेम न होता तो बाबू जी इन शब्दों का उच्चारण करना इनके बस की बात करिए। भौम रूपा फंडा नंबर अंधविश्वास घोषणा एक ही बात है, इस समय जो आपके मुखमंडल से शब्दावली निकल रही है बिल्कुल सत सत धर्म पाखंड आडम्बर अंधविश्वास घोषणा वाला ऐसा छलना लगा रहे हैं, नकरा नकरा निकल के दूर हो जाए और शुद्ध शुद्ध बीज छल्ले में रह जाए। एक बात बोल, ये तमाम रातों रातों के महापुरुष बैठे थे, कोई भगवान है धनवान है सभी पढ़े लिखे संसार में जब से हो संभाला है, 30 साल 25, 30, 50, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, वो कैसे काल को बोलते चले आ रहे हैं यार, कौन सी नई बात बता रहे हो। और जिनकी जैसे काल बोली उन्होंने ही इन्हें अपना क्या बनाया ये जानते, तो कैसा विचारा कर रहे हैं। साकार हरि की जय जय का अगर करोगे, वचन मान के कर्म करोगे तो परमात्मा के हो जाओगे, न जन्मोगे न मरोगे, बेहद सार्थक होगा। क्यों इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा के दरबार में केवल मानव धर्म सत्य था है और मानव का भाईचारा अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और मानवीय गुणों को पैदा करते हुए आत्म बोध कराते हुए सत्य मार्ग पर अग्रसारित कर देना, ये हर महापुरुष का दायित्व होता है। बनता है राजा रहे न रंग, बलि रहे न वलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग वकील, जिसके तन का समय आ गया है उस तन की मृत्यु होगी, जिसे ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ब्राह्मण न होते, मठ मंदिर न होते, साधु संत महात्मा न होते तो प्राइमरी पाठशाला में हमें कौन बताता, कौन जानकारी देता कि ब्रह्मांड में परमात्मा भी कहीं है या नहीं। उन्होंने जो धर्म के नाम पर देश में ठेकेदारी थी, इस ठेकेदारी में हम भी लूटते रहे और आज भी ऐसे समाज के लोग हैं जिन
जिनके दो आंख से जरूर है, कान है, शरीर है, लेकिन आपकी उनकी लुटाई इन सब के ठेकेदारों के द्वारा हो रही। और जब ये जाना, कब मैंने ये कब जाना, जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, जहां आना हुआ तब पता चला कि जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा के नाम पर जो लूट मार होती है उसका धर्म और सत्य से कोई मतलब नहीं है। अगर सत्य की बात होती है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि की ब्रह्म वाणी लिया दर्शन में आती है। जो यहाँ कहीं आपको दिखेगा प्रथम मंगल था राजा का सेवा राजस्थान में, मेरा भी बहुत हौसला हुआ, 10-15 किलोमीटर चारों दिशाओं में जल कर आपकी जोड़ी सीमा नहीं का ऐसा जमा हुआ था, जैसे लगता था 20-30 नगर बसे हुए हैं, जानकारी गाड़ी है, बस बस है, तो यहाँ वहां भी हम यहाँ आप ये भी तो बोल सकते हो जनपद का ये भी तो आपको पढ़ना होगा, निर्मण होकर रहेगा जनपद का कई बार की कम्युनिटी को मानव प्रेमी पाचन करे हमारी तंत्री मौजूदगी शहर दौसा जनपद दौसा राजस्थान से आयोजन चलता है, वहीं से हमारा राजा क्रीड़ा मोचन हुआ, राजा क्रीड़ा से हाथ तो आप समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए नितांत आवश्यक है। क्यों न लागे ऐसा दाव, दोबारा ऐसा दाव नहीं लगेगा, तने समझो सब जिनी सम्राट तो काशन जनपद के मानव प्रेमी उपाचकर इनका जाना दोषा हुआ झारखंड से हमारी मौजूदगी है, प्रधान पत्र था सोचा चलो देखेंगे, परमिशन लेके गए, परमिशन अधूरी थी और बिना प्रशासनिक परमिशन के हम कहीं कदम नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं उसकी वजह है हम क्यों नहीं, क्यों सवा 18 साल की आयु में हमको अचानक नौकरी मिल जाती, 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती है, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे, भवन भी भरते रहे, करीब 21 वर्ष लगातार जुडिशरी न्यायालय स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को के भेद, स्पेशल जज इसी है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अदालत में काम भी किया, प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर कराया, अभी 14-15 वर्ष नौकरी की बाकी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेकर हम नहीं आए, जिनका नाम हरि परमात्मा ले रहे हो, हरि परमात्मा ही खींच कर लाए हैं, हम तो हर सारा चौकीदार बन के काम करते हैं, आप देखते हैं तो समझ सकते हैं यहां किसी प्रचार का कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं और धन हम कहीं से लेते नहीं, यहां भी देख रहे हो कोई दान पात्र नहीं, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ स्वर्ण चांदी गोभी बंगला जमीन जायदाद टीका मोती जवाहरा कुछ लिया नहीं जाता है, हमें पेंशन कामनी से कोई मतलब नहीं है, हमारी न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है, ये समझने की बात है, विशेष रूप से समझना चाहिए
जो कमेटी के महापुरुष हैं, जो आचरण से संबंध रखते हैं, कोई विचार के साथ कर देते हैं और दोबारा परमिशन लेके गए प्रशासन की परमिशन नियमानुसार थी, तो हमने महापुरुषों से कहा ठीक है, समय न होते हो भी राजा खेड़ा राजस्थान से चलकर आपके मोहनपुरा पहुंचेंगे, एक दिन का ही इस समय का ही आयोजन का निर्णय किया था। तो कॉमन सेंस की बात है, सदबुद्धि की बात है, सदबुद्धि से विचार करो कि जो आप लाखों लाखों में जो अभी हमने देखा महापुरुषों की मौजूदगी है, आप पर टेलीफोन हमने तो नहीं किया, हमने पीएनसी का भी इस्तेमाल नहीं किया, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई विशेष बाहर भी नहीं भेजा, हमने कोई आपको न्योता भी नहीं दिया कि हम फलाए स्थान पर पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी श्रीमान जी आप सबको समझना पड़ेगा, अगर आप सबकी सबको प्रधान आत्मा न होते तो शब्द के साथ में आना संभव। आप अपने को केवल जानकारी मान बैठे हैं, केवल सभी बहन भाइयों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, सभी बहन भाइयों के कदम से कदम मिला निकाले पुराने उसने पड़ोसी को जगाया, सो रहा था वो जग रहा था, तीसरा जागर ओढ़े सो रहा था, दो दिन का खुशबू के दम भरे पड़े, उसमें हमें डुबो दिया, यार बड़ी खुशबू आ रही, नाक पट्टी जा रही, तू बता पर अल्लाह से कर आए मुझे उठा के लिए, मेरे पुराने कपड़े उतार लिए, नए कपड़े हाथ बात पीछे को जगाया, तू बता उसने क्या कहा, भैया नहीं मानते तो सुनो, साकार हरि परमात्मा आए हनुमान जी का रूप धारण कर, उन्होंने हमारे बाल पकड़े, मुंह में दो चाटे मारे, तो काश उनके पट्टे सारे लेता है माल पुआल खीरा, बिना पैसे का मसाला है, संसार में हसी धन से नहीं खरीदी जाती, आनंद फ्री में मिलता है, रुक रहा है। मैंने कहा एक हाथ से कहा रहा था, मेरी पत्नी ने गुस्सा मारा, हनुमान जी ने कहा उसके पट्टे दोनों हाथ से खा, भैया माल हुआ खीर मैंने दोनों हाथ से खाई, बाइक साफ कर दूंगो तो उठा, वो दोनों बोले कि तेरा हरि हनुमान का रूप धारण कर चाहे तूने हमें चूरी जलाया, वो क्या कहता है, तू तो अल्लाह की दरगाह में था, तू ईसा मसीह के हाथ था, करते लिए थी तेजी को जलाते, भैया नारायण हरि परमात्मा के नाम से जाते, बात बच गई, हर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते, दूसरे जगन भैरव निंदा चुगली ये दिमाग में नहीं आती, अहम दिमाग में नहीं आना चाहिए,
आप समझ सकते हैं। राजा रहे नरक, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, संतरी रहे न मंत्री, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग। आप समझ सकते हैं और जानते भी हैं। वैदिक काल का इतिहास कहता है, सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा आपने भी, पढ़ा है। कोई कवि नहीं चोरी, अंतिम समय आया, सिकंदर बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि जब मेरी मैयत लाश ताबूत में रखी जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए, जमाना देखेगा। सिकंदर बादशाह ने कुछ कभी नहीं छोड़ी, जा रहा तो खाली हाथ। बाबू जी ध्यान रखो, ये जीवन के मिला है, हे मानव तू भूलोक में क्यों आया है, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, खान पान भोग भय असबी चतुर्थ जान, क्या अधिकता मन जुमे क्यों न लगे, अजी पर हाथ मांगे। ध्यान रखो, आज तक का रिकॉर्ड देख लो, आज काशम जनपद है, इससे पहले पूरा क्षेत्र एटा जनपद में था। हमारा केरला, केरला प्रदेश, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कहां का बताया, जाना आना होता था, सुनने को मिलता था। आस पास के जनपद भी एटा के नाम से किसी को बैठाने को तैयार नहीं। सुना आज अगर आप साउथ इंडिया, भले ही केरला में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कहीं चले जाए, आप नाम ले और जहां उन्हें स्मरण हुआ कि साकार हरि नारायण को वहां के शरीर का की जन्मभूमि है, आप तो खिलाएंगे खिलाएंगे और पैसा भी नहीं देंगे। ये भी स्थिति ऐसी निर्मित की, नेपाल सैटेलाइट चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली की तो हम नहीं कह सकते, दिल्ली में भी पता नहीं कितने लाखों की संख्या में महापुरुष है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य ये है, चोरी करने से कभी किसी कोई धनबाद नहीं हो सकता, डकैती डालने से कोई धनबाद नहीं हो सकता, अपहरण करने से कोई धनबाद नहीं हो सकता, लूट करने से धनबाद नहीं हो सकता, अपराधी तो हो सकता है। आप समझ सकते हैं, चोर चोरी करेगा तो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। जो क्लेश दिए हैं लाठी के सामने, भूत भी भाग वो भी पकोगे और भी प्याज में लगे, अपराध सिद्ध हो गया, आजीवन कारावास हो गया तो जेल में ही निश्चित करना। आप समझ सकते हैं, बुरा देखने में चला, पुराने देखा कोई, जब हृदय खोजा आपना तो अपने बुरान, तो जो अपराध प्रवृत्ति है धन पाने, हम खेती बाड़ी नौकरी व्यापार में मेहनत क्यों नहीं करते, लफंगे की तरह क्यों घूमते हैं, जगह बेजगह क्यों बैठते हैं, क्यों धरना देते हैं, खेती बाड़ी है, नौकरी है, व्यापार है, मजदूरी है, मेहनत करेंगे उसका सिला मिलेगा, उससे तुम्हारा तुम्हारे परिवार का जीवन बढ़िया तरीके से कटेगा, न कोई डर होगा न कोई भय। आप समझ सकते हैं,
परमात्मा ने तो दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए प्रसन्न। यही कारण है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में 84 लाख योगियों का प्रावधान। ये सब आते माता पिता में ले जाएंगे, लख 84 माए कुत्ता कुटिया बन गए, तब भी तुम पति पत्नी बन गए, बच्चे पैदा होंगे माता पिता। लेकिन ये नर नारी का तन फेर मिलन का हम हवा में नहीं उड़ाते हैं। जो कुछ आपके सामने रख रहे हैं, शोधन करके रख रहे हैं, सर्जरी करके रखते हैं। अगर सर्जरी शोधन न करते तो संसार में तन के संबंध हमारे भी होते, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। ताजा ताजा रखते हैं आपके सामने भाषा परोसना हमारे बस की बात है। हमने तो यहाँ तक भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में जहां भी जाते हैं, यहाँ भी शरीर जहां नहीं गया है, पूरे ब्रह्मांड में हरि की जय घोष हो रही है पूरे ब्रह्मांड। तो आप लोगों को संयमित होकर वचन नहीं, अगर वेद और शास्त्रों की तरफ जाओगे, हजारों वर्षों का जिक्र आता है, इसी मुनि तब तक क्यों मर गए, उस शरीर में दीमक पता नहीं क्या क्या बताते। अगर सतगी सतो प्रधान आत्मा न होते, अनंत अनंत कालों में जन्म मिला, कमाई न होती सत्य की, बाबू जी वचन ही तो वरदान आपको मिलना है। वरदान से आगे कुछ है, और वरदान केवल परमात्मा के अलावा संसार में दूसरा कोई दे नहीं। तो कभी भी दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी, बुराइयों में नहीं जाना चाहिए, ईगो नफरत भैरभाव पास नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी को उठा नहीं सकते हैं तो गिराने की जिस कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया में राजनीति तो ठीक समझ में आती है, राजनीति में नीति होती है, लेकिन जिसको लेते हैं वो गंदी शासन करता है। शासन संपूर्ण संसार के लिए अच्छी नहीं है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधे होते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे होते हैं, वही शासन है। एक अधिकारा जमींदार बन के आपके सम्मुख हमें इस रूप में ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा जी सब कुछ अभिव्यक्त करा दिया है, जानकारी करा दी है, और जानकारी मिलती रहती है पर अच्छा ये हरि परमात्मा की मेहर है। तो हम जैसा अधिकारा चौकीदार आपके मध्यूप की आंखों देवता दर्शन कर रहा है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।